विराट कोहली अमूमन चर्चाओं में रहते हैं जब भी वो मैदान में होते हैं या फिर मैदान के बाहर होते हैं। उनके फैंस, उनकी फैन फॉलोइंग और सोशल मीडिया पर तमाम उनके फैंस जो हैं वो एक्टिव रहते हैं उनकी किसी भी तस्वीर को लेकर, किसी भी वीडियो को लेकर। अमूमन उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती है। कई वीडियो जो है वो रोमांचक होती हैं और कई वीडियो एक मैसेज भी देती हुई नजर आती हैं। लेकिन उनका एग्रेशन, दरअसल विराट कोहली का एग्रेशन, विराट कोहली का एक अंदाज जो है वो उनके फैंस को बहुत भाता है। यही वजह है कि उनकी यही अदा जो है फैंस को बहुत पसंद आती है। लेकिन इस बीच विराट कोहली के कई किस्से हैं, नाराजगी की कई तस्वीरें हैं, कई वीडियोस हैं। लेकिन अब एक और वीडियो निकलकर सामने आया, जबकि केआर आरसीबी का मुकाबला चल रहा था आईपीएल का, ईडन गार्डन मैदान में, जहां पर विराट कोहली जो है वो गुस्सा हो जाते हैं। दरअसल हर्षित राणा की गेंद पर वो आउट हो जाते हैं, कॉटन बोल्ड हो जाते हैं। और कॉटन बोल्ड होने को लेकर जो उनकी नाराजगी थी वो इस बात को लेकर थी कि नो बॉल होनी चाहिए थी वो बॉल, लेकिन वो बॉल नो बॉल एम्पायर ने नहीं दी। बल्कि जब उन्होंने दरअसल रिव्यू लिया, तो रिव्यू लेने के बावजूद भी थर्ड एम्पायर ने उनको आउट ही दरअसल दे दिया। जिसके बाद जब वो आउट देखते हैं खुद को, तो फिर अपने आप को नहीं रोक पाते और उसके बाद एक बार फिर से जाकर एम्पायर से भिड़ जाते हैं। कैसी वीडियो, एक ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और उनके सपोर्टर्स, उनके फैंस जो हैं इस बॉल को नो बॉल मान रहे हैं और वो कह रहे हैं कि एक बार फिर से विराट कोहली जो है वो गलत आउट दिए गए हैं। अमूमन कई मरतबा ऐसा होता है कि जब खिलाड़ी जो है वो आउट नहीं होते हैं, लेकिन कई बार जो खिलाड़ी हैं उनको आउट दे दिया जाता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरीके के कमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बीच लोगों तक ये बातें अगर सीमित रहती तो ठीक था, लेकिन यहां पर खुद कमेंटेटर भी जो हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए विराट कोहली के आउट होने को लेकर। विराट कोहली आउट नहीं थे ये कहना है नवजोत सिंह सिद्धू का, और बकायदा उन्होंने नियमों को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। मोहम्मद कैफ भी नवजोत सिंह सिद्धू की बात से सहमत नजर आए, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि विराट कोहली जो है वो आउट नहीं थे इस मैच में, उनको गलत डिसीजन के चलते आउट करार दिया गया है और वो बॉल जो है वो नो बॉल थी, इस वजह से विराट कोहली आउट नहीं होते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इरफान पठान जो है वो नियमों को सामने रखते हैं और वो कहते हैं कि विराट कोहली को जो एम्पायर की ओर से आउट करार दिया गया वो ठीक था, वो गलत नहीं था। दरअसल विराट कोहली की नजर में और नवजोत सिंह सिद्धू की नजर में, मोहम्मद कैफ की नजर में और तमाम करोड़ों उनके फैंस की नजर में विराट कोहली आउट इस वजह से नहीं थे क्योंकि जो गेंद हर्षित राणा ने फेंकी थी वो उनके कमर से ऊपर थी और इस वजह से वो बॉल नो बॉल होनी चाहिए थी, लेकिन वो बॉल नो बॉल नहीं दी गई और इस वजह से वो कॉटन बोल्ड हो गए और आउट हो गए। हालांकि विराट कोहली के आउट होने के बाद उनका एग्रेशन नजर आया। वो जब दरअसल मैदान से लौट रहे थे तो बैट को मैदान में कई बार पटकते हुए नजर आए, यानी कि वो इस डिसीजन से बहुत ज्यादा नाराज थे। यही वजह है कि वो मैच आरसीबी के हाथ से भी निकल गया। हालांकि आखिरी गेंद तक ये मैच बहुत रोमांचक भरा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी केकेआर ये मैच जीत गया। आखिरी गेंद में रन आउट होने की वजह से विराट कोहली की टीम, आरसीबी की टीम जो है वो हार जाती है। आपको क्या लगता है कि अब विराट कोहली गलत आउट करार दिए गए थे, विराट कोहली के साथ ठीक नहीं हुआ? आपकी जो भी राय है, विराट कोहली का एग्रेशन जायज था, विराट कोहली का गुस्सा बिल्कुल ठीक था और उनके सपोर्ट में जो कमेंटेटर सामने आए हैं, चाहे सिद्धू हों, चाहे कैफ हों या फिर और फैंस हों करोड़ों आप जैसे, क्या वो ठीक है?